हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन मौका है। जो ये इंग्लिश सेंटेंस पिक्चर्स में यूज होते हैं, वही हमारी डेली लाइफ में भी अक्सर यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। यू डेयर टू टच मी। यू डेयर टू टच मी। तुम्हारी लड़की की शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। योर डॉटर गॉट मैरिड एंड यू डिडंट इवन इन्फॉर्म योर एल्डर ब्रदर। योर डॉटर गॉट मैरिड एंड यू डिडंट इवन इन्फॉर्म योर एल्डर ब्रदर। तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी। हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी। अगर यह मेरी लड़की होती तो मैं उसे मार देता। इफ इट वर माई डॉटर आई वुड हैव किल्ड हर। मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। डोंट एवर शो यूअर फेस अगेन। डोंट एवर शो यूअर फेस अगेन। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। दैट्स वाई आई हैव कम टू यू। तुम अमीर लोगों अच्छी तरह से जानते हो कि अपना काम कैसे करवाना है। यू रिच पीपल रियली नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। खैर, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। एनी वे आई हैव टू फाइंड ए वे आउट। आई हैव टू फाइंड ए वे आउट। एनी वे। एनी वे कैन बी स्पोकन पहले भी बोला जा सकता है और बाद में भी बोला जा सकता है। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। यू आर डिसग्रेसिंग मी। यू आर डिसग्रेसिंग मी। तुमने मेरा चेक फाड़ा। यू टोर माई चेक। यू टोर माई चेक। ये बोल रहा है कि तुमने मेरा चेक फाड़ दिया। तुम्हारी इसका चेक फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई। मैनेजर हाउ डेयर यू टेयर हिज चेक। मैं जानता हूं उसे कैसे संभालना है। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। ये बोल रहा है कि मैं जानता हूं उसे कैसे संभालना है। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। यू गोट स्केयर्ड एज इफ यू वर कॉट रेड हैंडेड। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट। हरी अप। वी आर गेटिंग लेट। हरी अप। मैं तेरी वजह से चुप रहा। आई कैप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। आई कैप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें क्या पता तुमने क्या कर दिया। यू हैव नो आइडिया वट यू हैव डन। यू हैव नो आइडिया वट यू हैव डन। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, यह तो मेरी आदत है। ये लड़की बोल रही है कि तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, और लड़का बोल रहा है यह तो मेरी आदत है। यू आर मैसिंग विद मी। इट्स माई हैबिट। आ जाओ फिर, मुझे देखने दो तुम क्या कर सकती हो। कम ऑन देन लेट मी सी वट यू कैन डू। कम ऑन देन लेट मी सी वट यू कैन डू। उसकी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही मैस अप विद मी। हाउ डेयर ही मैस विद मी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। वॉट आर यू आउट ऑफ माइंड। वॉट आर यू आउट ऑफ माइंड। ये अपनी बेटी से बोल रहा है। तुम 3 दिनों से ऐसे ही हो। सिंस 3 डेज यू हैव बीन लाइक दिस। सिंस 3 डेज यू हैव बीन लाइक दिस। 3 चीजों के पीछे जिंदगी में कभी मत भागो। नेवर रन आफ्टर 3 थिंग्स इन लाइफ। ट्रेन बस और लड़की। ए ट्रेन ए बस एंड ए गर्ल। मैं मरना नहीं चाहता। मेरा मतलब अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। आई मीन आई एम नॉट इवन मैरिड येट। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। आई मीन आई एम नॉट इवन मैरिड येट। तुम्हारी अपने पिता को ना कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डिस ओबे यूअर फादर। हाउ डेयर यू डिस ओबे यूअर फादर। मैं अपने पापा से पक गई हूँ। आई एम फेड अप ऑफ माई फादर।
डैड, आई एम फेड अप ऑफ माई डैड। जैसे कि फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि मैं अपने पापा से परेशान हो गया हूँ, अपने भाई से परेशान हो गया हूँ, तो उससे ये उसकी जगह ये सेंटेंस यूज किया जाता है। वह मुझे उस आदमी से मिलने के लिए जोर दे रहे हैं। ही इज फोर्सिंग मी टू मीट दैट गाय। ही इज फोर्सिंग मी टू मीट दैट गाय। लेकिन तुम उसे कैसे पहचानोगी? बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हिम। बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हिम। जगह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द प्लेस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द प्लेस। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का कंटेंट। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अलग कंटेंट के साथ, अलग सेंटेंस और अलग कन्वर्सेशन के साथ। तो तब तक के लिए अगर वीडियो लाइक आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वे भी इंग्लिश सीख सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।